चलिए आप लोग आपका इस्तेमाल करना है। और कुछ समस्या है आपको? अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस किस्मत कॉलोनी परिसर में जैसा कि जफर भाई ने अभी आपको बताया कि बहुत दिनों से काफ़ी शिकायत थी लोगों को। एक बिल्डिंग है अरबाज मेंशन, जहाँ पे खतीजा हॉल भी है, वहाँ पे अक्सर जो है वो गटर का मुंह छोटा होने की वजह से पानी पास नहीं होता था, तो बारिश में वहाँ पे अक्सर पानी जमा होता था। पीछे एक सिद्दीकी की बाग कॉलोनी है, उन लोग का अभी गटर का बहुत साल से इशू था। वो पानी जो है उन लोग की गटर सही नहीं होने की वजह से ना, जो गंदगी का जो पानी था वो उनकी सोसाइटी में ही जो है वापस रिवर्स मारता था। और एक पीछे पिराना टावर है, उसके पीछे का जो है नाला, वो भी बहुत दिनों से जो है वो बन नहीं पा रहा था। जिसकी शिकायत लोगों ने अपने अपने तरीके से कही, हफीजाना भाभी के वहाँ जाके नेहा से किए, जफर भाई से किए, यूनुस भाई से किए, मेरे से किए, सिराज भाई के वहाँ किए। तो हम सब ने जो है आवार साहब से ये विनंती किए थे कि साहब, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि नगर सेवकों का जो टेन्योर है वो ख़त्म होने की वजह से अभी कोई नगर सेवक के पास में निधि तो है नहीं। तो सब नगर सेवकों ने मिल के और हम लोग ने मिल के जो है आवार साहब से एक आग्रह किए थे कि सर, आप जो है अपने स्पेशल फंड से अगर ये काम को चालू कर सकते तो लोगों को जो है जो काफ़ी सालों से तकलीफ़ हो रही है तो उससे जो है लोगों को राहत मिलेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आवार साहब ने हम सबके इसको प्रस्ताव को जो है वो लब्बैक कहते हुए अपने स्पेशल फंड से जो है इस वार्ड में पैसा दिया, जिसकी वजह से आज ये सब काम चालू शुरू हुए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मकसद तो सिर्फ ये है कि शहर में तरक्की कैसे हो, हमारा शहर तरक्की की तरफ किस तरीके से बढ़े। देखिए, तरक्की तो माशाल्लाह 2009 से जब से डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब यहाँ पर आए हुए हैं जीत करके, जब से मुमरा कोसा के लोगों ने और कलवा के लोगों ने उनको यहाँ पर जिता करके भेजा था और इस उम्मीद के साथ भेजा था कि हमारा शहर तरक्की की तरफ बढ़ेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम जो डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने 2009 से वादा किया था वो सारे काम को कंप्लीट करते 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 जो कुछ काम बच गए थे वो कामों का आज उद्घाटन उन्होंने रखा हुआ था। तो उसमें तमाम नगर सेवक जो हमारे हफीदा मैडम हैं, सिराज डोंगरे साहब हैं, मैं हूँ, जावेद भाई है, नेहा है, शहर है, यूनुस भाई हैं, तमाम लोगों ने उस साहब को बोला था कि साहब हमारे वार्ड में ये चीज़ों का काम बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को देखिए कुछ बातें मैं मीडिया के ज़रिए आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि 2 साल जो कोरोना काल का गुजरा उसकी वजह से बजट का बहुत ही इशू था। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि ढाई साल पहले जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था उसको बिल आज तक भी बिल नहीं मिल पा रहे। तो महानगर पालिका में बजट का इशू था, इसके लिए हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब से हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब से, कि सर आप हमको कम से कम कहीं से स्पेशल फंड करवा करके दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, हफीदा मैडम ने, जावेद भाई ने, यूनुस भाई है, शहर है, नेहा नाइक है, सिराज डोंगरे साहब, हम लोगों ने उनको एक लेटर दिया था अपने अपने वार्ड के काम को लेकर के। जो ये स्पेशल फंड है, माइनॉरिटी का फंड है, ये माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब की इसमें भरपूर मेहनत है। मैं बल्कि ये भी कहने में मुझे अगर कोई ग्रेज नहीं है कि उन्होंने इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद करके ये बजट को लाया। तो आज उसकी ओपनिंग रखी गई थी, ये ओपनिंग हमारे एक कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, सैद अली भाई साहब, हम सब के लाडले अध्यक्ष शमीम खान साहब, सिराज डोंगरे साहब, सुहेल लोडगे साहब, जावेद भाई, हफीजा मैडम, नेहा, शहर, यूनुस भाई, मैं खुद मौजूद था और ये सारे कामों की ओपनिंग हो गई। और मैं लोगों से वादा, जैसे सिद्दीकी बाग का मसला है, सिद्दीकी बाग का मसला बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहा था क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम था। मेरे यहाँ शादी मेल रोड में एक गंगाराम का नाला है, वो नाला भी बहुत क्रिटिकल होते जा रहा था। उसी तरीके से शौकत मंदिर का नाला है, देखिए इसमें लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है इस बजट को लाने।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि किस्मत कॉलोनी के जो हालात थे, ये जो आज जिसका उद्घाटन किया गया, वो हालात बहुत बेकार हालात थे। जावेद भाई और मैं इस वार्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं, जफर नुमानी साहब मेरे दरमियान हमेशा इस वार्ड में रहते हैं, यूनुस भाई भी जानते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये जो सिद्दीकी बाग है, इसकी गटर का जो मसला है कहीं सालों से है। कोरोना काल के वजह से पहला हमारा वादा था कि हम इंशाल्लाह उस काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन कोविड आ गया, बजट नहीं था, हालात ख़राब थे, लेकिन लोगों ने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाई, काफ़ी पेशेंस रखा, एक भरोसा था जो जावेद भाई और उनकी टीम ने हम पर कायम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फॉलो अप जावेद भाई मेडिकल, जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जफर नुमानी साहब, मैं, मेरी वालिदा और सिराज डोंगरे साहब, यूनुस भाई, हमने मिलकर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस कामों की शुरुआत की गई। देर से होता है लेकिन होता ज़रूर है, और सब्र का फल मीठा ज़रूर होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और यूसुफ भाई जकरिया के शौकत मंजिल में रहते, जकरिया में रहते हैं, ये जानते हैं कि जकिया अपार्टमेंट के हालात क्या थे। इस बारिश में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इनकी सोसाइटी के पीछे के गटर का मैंने गोनी डाली थी रेती की, ताकि इनके घरों में पानी ना आ सके। इन्होंने मुझसे एक सेकंड सुबह इन्होंने मुझसे कहा, नेहा इस बार पानी आएगा तो क्या? मैंने इनको कहा, यूसुफ भाई अगर पानी नहीं आएगा तो क्या? हमारा चैलेंज हुआ था, मतलब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाबी दी। आपको पानी नहीं आया इस बार? नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया इस बार, नहीं आया। अल्लाह का एहसान है कि इस बार जितेंद्र साहब के जरिए काम ओपनिंग हो गई है, और न्याय नायक जावेद यूनुस ये लोगों ने बहुत कोशिश की है। हम लोगों को बहुत तकलीफ थी उस एरिया में, पानी जब बारिश आती तो हम लोग ने सोचते थे कि रात कैसे निकलेगी उस दर में। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि आज ओपनिंग होने की वजह से एक उम्मीद जाग गई है कि नेक्स्ट ईयर इस साल भी इस बार टेम्पररी जो सोल्यूशन निकाला गया उसके ज़रिए हमको पानी नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम ये नेक्स्ट बारिश में ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। जो टेम्पररी सोल्यूशन इस बारिश दिया, अब अगले बारिश में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल से हमारे प्रभाग में ये कामों की शुरुआत की जाएगी। और यूसुफ भाई और ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, इनको डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज़ है इनके, इतने हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो टेम्पररी सोल्यूशन था वो पूरी बारिश में मुकम्मल रहा। और तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमें जर्नी में काफ़ी सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम सबके साथ आप बने रहे। तेज़ी से जो विकास की लहर दौड़ रही है, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम खान साहब के मार्गदर्शन में ये इसी तरह तेज़ी में दौड़ते रहेगी, इंशाल्लाह रुकेगी नहीं।